ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। विधानसभा क्षेत्र खुज्जी में कांग्रेस सरकार के शासन को कुशासन बताते हुए एवं खुज्जी विधानसभा की विधायक चुन्नी साहू को पूर्णतः निष्क्रिय बताते हुए इनके विरोध में जन आक्रोश रैली निकालकर बरसते पानी में सांकेतिक रूप से चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में विधायक एवं कांग्रेस के शासन के विरोध में भाजपाइयों द्वारा जन आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपाइयों ने आरोप लगाया है कि कंकड़ मिट्टी मिलाकर बिना कोई मानकता के किसानों को जबरदस्ती एक बोरी यूरिया के साथ 10 किलो वर्मी कंपोस्ट दिया जा रहा है। तेंदू पत्ता संग्रहकों को मिलने वाला बोनस पर भ्रष्टाचार एवं अन्य लाभ, चरण पादुका, बच्चों को सब्सिडी, दुर्घटना बीमा से वंचित किया गया है। धान रोपाई के समय कृषि पंपों की लाइन 8 से 10 घंटे काटी जा रही है। गौठान निर्माण के नाम पर 20 से 50 लाख तक सरकारी खजाने से खर्च हो रहा है, लेकिन स्थल पर न चारा है, न पानी और न ही शेड। साथ ही यहाँ के गरीब निवासी 4 साल से प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। इस अवसर पर प्रदेश से आए वक्ता, पूर्व सांसद, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, सचिन बघेल, जिला अध्यक्ष रमेश पटेल के साथ बतौर प्रभारी विधानसभा खुज्जी के रूप में गोपाल बिष्ट भी उपस्थित हुए एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के योगदान से आक्रोश रैली सम्पन्न हुई। अभी कुजे में हकलो होगा नहीं बोला देगा, गुजाना ही नहीं गुजाना है। बोले भारतीय पार्टी जिंदाबाद। एक एक खन हाथ दे, मैं तुम्हारा 15 मिनट में लगातार हाथ दूंगा, हाथ दूंगा उसे तो जोरदार जबरदस्त ऐसे नारा लगाएं कि खुज्जी के जो विधायक है उनका कुर्सी है बोलेगा चालू हो जाए। समर्थन है आप बन के एक बार जोरदार ताली बजाओ, दोनों हाथ ऊपर करके पार्टी के हमें जयकारा लगाना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये पहचान है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम लगाकर वर्तमान कांग्रेस की सरकार की खामियां गिनाने में लगा हुआ है और हर विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन, विधायक निवास का घेराव इत्यादि किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए खुज्जी से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।